इटखोरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को राज्य सरकार के खिलाफ मंडल अध्यक्ष देव कुमार सिंह के नेतृत्व में आक्रोश रैली निकाली। रैली कृषि फार्म से शुरू होकर इटखोरी चौक और चौपारण चतरा मेन रोड होते हुए प्रखंड कार्यालय परिसर पहुंची, जहां राज्य सरकार के क्रियाकलापों की कड़े शब्दों में भर्त्सना की गई। राज्य में बालिकाओं की निर्ममता पूर्वक जलाकर मार डालने, खनन माफिया के बढ़ते वर्चस्व और भ्रष्टाचार में सरकार की संलिप्तता पर कार्यकर्ताओं ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा, हेमंत सरकार सभी मोर्चे पर विफल रही है। कार्यक्रम में चतरा जिला प्रभारी विपिन बिहारी सिंह समेत कई गणमान्य नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। इटखोरी से अखिलेश पांडे की। झारखंड में हेमंत सोरेन को समर्थन झारखंड की जनता दिया था, लेकिन आज पूरा झारखंड जो है तो कुव्यवस्था के आलम से बंधा हुआ है। चारों ओर भ्रष्टाचार है या निकम्मी सरकार कोई जनता का काम नहीं कर रही है, सिर्फ अपना अर्थोपार्जन के लिए काम कर रही है। इसी के लिए पूरे झारखंड में सभी प्रखंड मुख्यालयों में प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। उसी निमित्त आज इटखोरी प्रखंड में प्रदर्शन का कार्यक्रम अपने कार्यकर्ता और आम लोगों के सहयोग से हो रहा है। इसके लिए हमारे प्रदेश के नेता और चतरा के प्रभारी आदरणीय विपिन बिहारी सिंह इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। वे आज के विषय में विस्तार से हम सबों के बीच में रखेंगे। आप सभी देख रहे हैं कि कितना महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, सम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है, जिंदा बच्चियों को जलाया जा रहा है, तो इसके विरोध में हम सभी हैं। अनाज की कालाबाजारी है, आप देख रहे हैं दाखिल खारिज या बिना पैसे का नहीं किया जा रहा है, तमाम जो खनिज संपदा है भरपूर मात्रा में उसका लूट मचा हुआ है। इसी को लेकर के हम लोग आज यहाँ खंड कार्यालय में बैठे हुए हैं। सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग बताना चाहते हैं, जो आपको तो जनता की सेवा करने के लिए जनता ने मतदान दिया, लेकिन आप तो लूट मचाए हुए, आपके नारे भी जल जंगल, लेकिन आप इसके एकदम उसके विरोध में काम कर रहे हैं। आप खनिज संपदाओं को जिस तरह से लूट रहे हैं, हमारे राज्यों को खोखला कर दे रहे हैं, अपराध जो है चरम सीमा पे तुष्टीकरण है, और हमारा भ्रष्टाचार का तांडव सब जगह, हर ब्लॉक में आप देखिएगा कि बिना राशि लिए कोई काम नहीं। और सबसे बड़ा चीज़ हम आपको इसके माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमारी जो भाजपा सरकार थी, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक रुपये में, महिलाएं जब सशक्त होंगी तो सबल होंगी, एक रुपये में जो हमारा निबंधन होता था जमीन का, आप देखिए जैसे सरकार आई इतनी महिला के विरोधी, तो उसको तुरंत उसको बंद कर दिया गया। आप देखिएगा कि जितने भी शराब का जो है वो सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है, उसे मतलब वो लेबल लगाया जाते हैं, नकली शराब बना करके कितने जगह से पकड़ा भी गया है। आप सोचिए क्या करना चाह रहे हैं, हमारे जो अशिक्षित जो बेरोजगार हुआ है वो नशा के लत में जा रहे हैं, वो अच्छा। कभी कभी है कि ये जो गलत तरीके से आप बना करके अपने ही स्टॉल से बिछवा दे रहे हैं, उससे भी उनको काफ़ी दुर्घटनाएँ हो रही हैं। यही चीज़ मुझे कहना चाहिए, ये जन आक्रोश रैली है और जनता ये भ्रष्टाचार से परेशान हो चुकी है, दुराचार से, यहाँ हर रोज बलात्कार हो रहा है। इनके चुनाव घोषणा पत्र में जो था 2019 के चुनाव घोषणा पत्र में कि 5 लाख नौजवान को नौकरी दिया जाएगा बेरोजगार को, लेकिन 5 लाख तो छोड़ दीजिए, आप लोग से कोई छिपी हुई बात नहीं है कि आज 5,000 लोगों को भी नौकरी नहीं दिया गया। बेरोजगारी चरम पर है, बलात्कार आप देख रहे हैं कि अभी 3 साल भी नहीं हुआ है, 34 महीने में करीब 5,400 बलात्कार दुराचार हो चुके हैं, यह सरकारी रिकॉर्ड में है। यह चूंकि मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं। सर एक सवाल था आपके, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहां हैं वहां एकदम प्रतिष्ठा के साथ खड़ा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। ऐसी बात नहीं है कि चतरा जिला में कहीं इधर से उधर कोई भी कार्यकर्ता नहीं कर सकता है, इसलिए कि दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर हम लोग माल्यार्पण करते हैं। कार्यकर्ता कभी भी इधर से उधर नहीं हो सकता है, क्योंकि सबका परिचय एक दूसरे के साथ है, तो कोई बाज़ार में मिल गया तो कोई बातचीत हो गई तो वो अलग चीज़ है, लेकिन पार्टी के साथ एक भी कार्यकर्ता इधर से उधर पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकता। ये रैली निकालने का मुख्य कारण आप जहाँ तक बता रहे कि युवाओं को नौकरी ना मिलना और बहुत सारी इसमें बातें हैं, यह सुखाड़ का चतरा जिला का जहाँ बात है सर, उसमें क्या प्रोसेस है? मैं आपको बता रहा हूँ कि सुखाड़ की स्थिति जो है, अभी उन्होंने
सिर्फ एक घोषणा कर दिया है कि 2500 रुपया प्रति एकड़ दिया जाएगा। यह सब एक फालतू इसी तरह से बोल करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और झारखंड में जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय 5000 रुपया किसानों को 5000 रुपया प्रति एकड़ दिया करते थे मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत। अगर आपको 2 एकड़ है तो 10000, 3 एकड़ है तो 15000, मतलब 5 एकड़ तक किसी को भी, अगर गृहस्थ को, किसान को जमीन है तो उसको 25000 रुपया देने का काम उन्होंने किया। और आज यह सरकार जैसे ही 2019 में बनी और जो 5000 प्रति एकड़ जो किसानों को दिया जाता है उसको बंद कर दिया। तो आपका कहना साफ तौर से है कि ये सरकार किसान विरोधी है। चलिए।